आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं आहुजा के SSA-250 FX एम्पलीफायर का। ये एक इको वाला एम्पलीफायर है। इसकी MRP 15,265 रुपीज़ दी गई है, 15,265। अब इसको खोल लेते हैं। इसमें ऐसा सील दिया गया रहता है, चार्ट लगा हुआ है, ऐसा दम पीटी पैक है। ये तीसरा और एक चौथा निकलेगा। पैकिंग ज़बरदस्त होती है आहुजा कंपनी की। और ये खुला एक साइड, दूसरा साइड भी खुल गया। खोलते ही सबसे पहले हमने को दिख रहा है यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल में एक फ्यूज़ भी दिया गया है और वारंटी कार्ड है। फिर मिलता है थर्माकोल, इसको हटा देता हूँ। निकल जा भाई, टूटना मत बस। ये निकल गया। अब ये मिलता है हमारा मेन एम्पलीफायर। इसके लिए दोनों हाथ लगाना पड़ेगा, बहुत भारी है। ये डिब्बा करता हूँ साइड में। और ये है हमारा एम्पलीफायर। कैमरा थोड़ा नीचे कर लेता हूँ तभी ठीक से दिखेगा। अब पन्नी खोल लेता हूँ इसका, किधर से खुलेगा। दो दो दिन साइड से टेप लगा गया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इस साइड से तो नहीं, दूसरे साइड से मिल गया। अब इसको फटाक से खोल लेता हूँ। ये खुला। अब इसकी पन्नी निकाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा दिख रहा है। आओ जो मैं आपको क्वालिटी तो एकदम ज़बरदस्त मिलती है। और इस एम्पलीफायर में आपको इको भी मिलता है। दो माइक में इको रहेगा, 5 और 6 नंबर के माइक में अपने को इको मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको पहले लोगो दिखा देता हूँ। ओरिजिनल का पहचान, ऐसा लोगो रहेगा यहाँ पे। कैमरे में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, और ऐसा रहेगा। कुछ अलग डिज़ाइन भी बनाया गया है इस एम्पलीफायर के लिए। ऊपर का ऐसा थोड़ा दबा हुआ है, अच्छा डिज़ाइन है। 1 2 3 4 5 6 माइक लगा सकते हैं। डीले भी दिया गया है, बेस ट्रेवल मास्टर दिया गया है। पीछे से दिखा देता हूँ। पीछे अपन 24 वोल्ट बैटरी से सप्लाई दे सकते हैं, और यहाँ कॉमन 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं, चुंगा बॉक्स लगा सकते हैं। और ये सामने से एक बार दिखा देता हूँ। ये ऑक्स के लिए स्विच दिया गया है, इधर इको के लिए ऑन ऑफ के लिए है। इको के लिए 5 और 6 है, ऑक्स के लिए 3 और 4 है। फिर इको के वॉल्यूम है, इको लेवल, रिपीट डिले, ऑन ऑफ बटन, मास्टर वॉल्यूम, बेस ट्रेवल, सब दिया हुआ है। पहले वाले 250 जैसा ही है। अब मैं इसमें वायरिंग कर लेता हूँ। मेरे पास XT वाला ही बॉक्स है जो मैं बजाऊँगा, XT यानी ट्रांसफार्मर वाला, इसलिए वो कॉमन 100 में ही लगेगा। फटाफट से वायरिंग कर लेता हूँ, एक कॉमन में और एक 100 में। वायर वगैरह थोड़ा अच्छा यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कभी भी गर्म होकर चिपक जाता है। फिर ये इसका केबल भी अच्छे फुल पैक में आता है, AC केबल, ये ऐसा दिया रहता है, ऐसा लॉक सिस्टम रहता है। दोबारा भी अपन कहीं ले जाना हुआ तो वो वाइट वाला लॉक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया है। अब मैं इसको पावर दे देता हूँ, इसको ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा लेट में ऑन हुआ ये, फिर ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ।
हो गया ऑन। अब मैं अब माइक भी निकाल लिया है मेगा का, इसको इसमें लगा के चेक करूँगा मैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। ये वही मेगा का 99 नंबर का माइक है, नॉर्मल 500 रुपये तक मिल जाएगा आपको कहीं भी, बहुत ही बढ़िया माइक है। फटाफट से मैं भी वायरिंग कर लेता हूँ और आपको इसको सुना के चला के दिखा देता हूँ कि इसमें कहीं को कैसे बज रहा है। इसमें पेन ड्राइव नहीं दिए गए, अगर दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। तो अभी हम लोग इसको चला के देख लेते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है, शुरू करते हैं। हेलो, अभी कौन नहीं है, अभी कौन कर लेता हूँ। हेलो 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 हेलो, जैसा कि है वैसा लगा सकते हैं। हेलो 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 हेलो, सिर्फ दो माइक में ही। हेलो 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 हेलो, ऑफ कर दिया। हेलो नॉर्मल हो गया। हेलो ऑन करूँगा फिर ऑन हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, दोनों माइक के लिए सेम ही कोई सेट होगा। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, इसमें भी लगा लिया, अभी ऑफ है एक को, फिर ऑन कर लेता हूँ। हेलो 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 हेलो, दोनों में सेम से ही सेट होगा। हेलो 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 हेलो, बस हो गया।